कान खोल के सुन ले लोग, मुन्ना भैया तू लोग के आधा घंटा के समय देता रहे बस्ती खाली करे के। अगर आधा घंटा में बस्ती खाली ना भई तो मुन्ना भैया खुद खाली करा ली है। और मुन्ना सिंह ने बस्ती वालों को आधे घंटे का समय दिया है बस्ती खाली करने के लिए, और बस्ती वालों को ये कहना है कि अगर सरकार हमें घर के बदले घर देंगी तब हम बस्ती खाली करेंगे। बहुत इंतजार करवा ले लोग, अब हमारी बुलडोजर तार बस्ती खाली कराई। स्टार्ट करो सर। रुक जाए मुन्ना भैया, कोर्ट के स्टे ऑर्डर आ गई बा, तू बस्ती खाली ना करा सकेला। आज कनु कोर्ट के ऑर्डर ना चली बुझाइल, आज सिर्फ मुन्ना सिंह का ऑर्डर चली। मुन्ना सिंह के मजदूर लोग गरीब लोग अपने बीवी बच्चों को लेके परिवार को लेके कहाँ जाए। अरे ये गुंडा कहाँ से गिरा, किसने मारा इस गुंडे को? कौन हो रे? राजा देखे हो रे? ताकत के ऊपर घमंड करके गरीब पे अत्याचार करे वाला के हम बजा दे ले बाजा। वैसे दुनिया हम के आवारा कह ले, लेकिन नाम है राजा।
बनल जात बाटे कमर बल खात बाटे आ लक्षण जवानी के साफ साफ लौकता। बनेलू नदान तान तोड़ के का जान लेबू मनवा मिलोन खती बोर बोर छौकता। तो दिल पर मान तो हर पगहा में बांध रख अभी ऐसे जोर न लगाव खुद फान के अंग अंग निखरे द रूप तनी सवरे द दे द बचा भी राजा हुस्न के दुकान के। मुर्गी जैसे मुर्गा के करे परेशान उठता वे हमारा दिल के दरिया में तूफान। ये हो चिकन सामान कब करबू नेवान बारू चिकन सामान कब करबू नेवान। उमरिया में खतरा उठाए बता भेज दी सरकार तोहरा के जेल में। हौ कम सीन तबो इतना हसीन बाड़ू सध जाइबू धीरे धीरे देख न साध के। रसगर समान ये दीवाना के दान कर खजाना को ले जाइबू पार्टी पे लाद के। बुझता निता है तोहर डोलता ईमान का पाई राता तोहर हम तक गईल जान। बुझता निता है तोहर डोलता ईमान का पाई राता तोहर हम तक गईल जान। हम हो पानी ओ हम हो पानी हो हम हो पानी तैयार अजल। सर तुम एक नंबर की इडियट और डफर हो। तुमने हमारे चैनल का नाम एकदम मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़के को जाके गले मिलने की? तुम जानती थी ना कि हर एक चैनल का कैमरा चालू है, पूरी दुनिया ने तुम्हारा तमाशा देखा है और हमारे चैनल पे हंस रही है। I'm really very sorry, sir. अगर दोबारा तुमने ऐसी गलती की ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं नहीं सर, I'm very sorry. अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सर बाहर कुछ चैनल वाले इंटरव्यू के लिए आए हैं। अच्छा जी, इंटरव्यू लेने के लिए? अब तुम ही बताओ, क्या बोलूं मैं चैनल वालों को तुम्हारी हरकत के बारे में? नहीं नहीं सर, आपका नहीं है? वो काजल मैडम का इंटरव्यू लेने आए। काजल का क्या है ना कि उस घटना के बाद ये पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई हैं। लोग इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। सर चलिए मैडम, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सर मैं इंटरव्यू देने जा सकती हूँ? गो गो चलिए। हाय हाय बैठिए। अच्छा मैडम बताइए कौन था? अरे प्लीज 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 आप सब एक एक करके सवाल करिए। मैडम वो कौन था जिसे सबके सामने खुले हम आप गले लग गई? क्या वो आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। काजल जी आखिर वो करता क्या है? चोर है। क्या चोर? हाँ वो चोर है, उसने मेरा दिल जो चुराया है। बाबूजी बाबूजी दो रुपया दे देना, हमारा भाई भूखाल बटे ओकर खातिर दूध की ना। ये देखे। अरे यार एक रुपया बा ओकरे पॉकेट में। अरे हमार पर्स गायब बा। अरे यार हमरो पर्स गायब बा। अरे यार हमरो पर्स गायब बा। अरे बकलोल लोग हमनी सबके पर्स गायब बा। एकर मतलब कि हमनियो से बढ़न पॉकेट मार बा। पॉकेट मार तो बा लेकिन दिलदार बा। एक रुपया जेब में रख के 100 रुपया भीख में देवे वाला दिलदार। वाह। राजा हुआ ना? हाँ लेकिन तू क्या हो? हमार छोड़ा ना, वो दिन टीवी पे हम तार फाइट देख के फैन हो गई। अच्छा? हाँ, और सुन फाइट तो को ना हीरो भी ना कर सके। हाँ, ही बात ता। अरे वो तो कुछ ना रहे, हम तो ओकरों से जोर से मारे नहीं। बाकी एक बात बा, तू जितना सुंदर बाड़ू
ओ करो से सुंदर मती आवत आरू हवा आराम से बैठ के बात करेंगे। मैंगो जूस मंगवाई? मैंगो जूस तोरा साथे ता मरीचा के जूस भी पी सकता नहीं। वेटर एगो मैंगो जूस लेके आवा। तोहरा का हमरा से सचमुच प्यार हो गइल बा? का भरोसा नहीं के तोरा के? अरे तू कहता हम तोहार क्रिया खा के कह देता नहीं तो ओदी जोन टीवी वाली एंकर रहे तोहरा भरकवारी पकड़ ले ले रहे। हे भगवान के कर नाम ले लेलू। अरे ओकर मुंह देखले बड़ू मुंह माया रवा हता सिकंदरपुर। हला तू जूस पियो। इतना घबरात का है बाड़ा? अरे यार जब दोगो लड़की साथ है बैठल होके सन तो जूस के स्वाद और बढ़ जाला। तू है ना टीवी वाली एंकर? हाँ रे हम तो वही है कितने के हुए हम। अरे तू तो चुप रहा तोरा के तो हम बाद में बताए। अरे सुनो क्या कर दारू? तू तो चुप रहा तू तो हमसे बातें मत करा। हमार बात सुनो काजल। काजल हमार बात सुनो। अरे काजल काजल थोड़ा। अरे यार तू कहाँ इतना गुस्सा करता रू? वहाँ जो देख लो सब खाली मस्ती मजाक रहे। अच्छा सुनो ना सच तो ये कि हम सिर्फ तो हमसे प्यार करी ले। अच्छा हाँ तो तू हमसे प्यार करेला तो चलो अभी हमरा से ब्याह करा। अरे कैसे अभी ब्याह करी? अपन खर्चा तो उठाई नहीं की पावत ब्याह करे तो तुम्हारा खर्चा कहाँ से उठाई? तू हमसे ब्याह तो करा तुम्हारा साथ हम चटनी भात खा के भी खुश रहो। का बोलती बंद हो गई हमके मालूम बात तू हमसे प्यार ना करे। अरे हम तोरे से प्यार करी ले हम कैसे तो क्या किन दिलाई? अच्छा तू लड़की सिखात रहा ना कि तोरा खातिर हम मिर्ची के जूस भी पी ले। चलो हमरा खातिर मिर्ची के जूस पी के देखावा। हम तोरा प्यार में पागल है लेकिन इतना पागल ना है कि मिर्ची के जूस पी ली। पियो। अरे माई सच में पी गई ले इनके तो कान से भी धुआं निकलता। तो ये सब काहे करेला तोहके पता बाना तोहरा ये सब कैला से हमके कितना तकलीफ होला। राजा तोहरे सिवा हमारे दुनिया में केहू नहीं खे। अरे पागल तोहरा सिवा हमार के भाई दुनिया में कब करेंगे बाबिया? राजा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समाप्रभाते नाम कुर्मे देव सर्वदा। के देख राख बहके लागल चहके लागल मन सहके लागल तोहरा के देख राख बहके लागल चहके लागल मन सहके लागल सोना जैसन रूपवा तनी निहार लेबे द सोना जैसन रूपवा तनी निहार लेबे द चुम्मा कि चुम्मा लेवे से पहले गोरी नथुनिया तार लेवे दा कि चुम्मा लेवे से पहले रानी नथुनिया तार लेवे दा। पिया आ जाई अन्ही तठा जाईबा तू मोहब्बत के दरिया में बह जाईबा। Hey!
बारू ला सहारा कि देखिए के मूड बन जाला छन में जी अकुताला ओहे नु जल्दी से राला आज ऐसन बारू ला सहारा कि देखिए के मूड बन जाला लेवे से पहले गोरी नथुनिया तार लेवे दा कि चुम्मा लेवे से पहले रानी नथुनिया तार लेवे दा पहला मिलन हो अड़ले नहीं अड़ाता आगे बढ़ा मोर राजा हमरो मन अकुलता ए गोरी प्यार के पहला मिलन हो अड़ले नहीं अड़ाता आगे बढ़ा मोर राजा हमरो मन अकुलता बानी जा राजी त चलन बाजी मार लेवे त बानी जा राजी त चलन बाजी मार लेवे त चुम्मा कि चुम्मा लेवे से पहले गोरी नथुनिया तार लेवे द कि चुम्मा लेवे से पहले रानी नथुनिया तार लेवे द एजी चाय पी ले अरे वाह शक्कर है नहीं गेम में जब घरे में शक्कर नहीं के तो चाय में कहाँ से होई अच्छा शक्कर नहीं के कौनो बात ना हमने क्या होता तोहरा घर में दाल चावल साग सब्जी कुछ नहीं के अरे रानी जी तो हम सब लेके आ जाता नहीं हम चला तोरा संगे चला ठीक बा हम साड़ी बदल के आवत हैं अब साड़ी बदल बू तो यही साड़ी में चलब तो का खराबी बा साड़ी में तोहरा ना बुझाई गई एक घंटा का कहला अरे तो कहाँ कुछ ना ठीक बा अब तू ही जा हम ना जाए अरे सुनो ना नाराज काहे होता रू हम तो के कुछ ना करनी है जा ना, ना राजा जी अब तू ही जा हम ना जाए तोरा संगे अरे सुनो ना अब तू चलबो तो कुछ तो के लेवे करे तो तू ले लेबू ना हाँ हमरा लगे साड़ी नहीं के चूड़ी नहीं के पायल नहीं के बिंदी नहीं के और मेकअप के सामान भी लेवे के बा ठीक बा हम फटाफट रेडी हो क्या बतानी आई आई सब्जी ली टमाटर का भाव बा 40 रुपया किलो हा? कितना चाहिए 40 रुपया दो दिन पहले तो 25 रुपया रहे अब 40 रुपया हो गए अरे काजल का मोल भाव कर दारू ले ले जितना लेवे के बाद छोड़ा का है छोड़ी जी पैसा का फ्री में आवता हम तो 25 रुपया किलो लेब कम ना होई अरे जवन लेवे के बाद ले ला छोड़ा ना 10 रुपया ज्यादा ले ले से इनकर माल पिटाई ना 10 रुपया ज्यादा देले तो आर माल बिकाई ले ला ए जी एमे तो खाली 100 रुपया बा एमे तो खाली टमाटर आई हमार टिकली पाउडर कैसे किनाई अरे 100 रुपया बा आज टमाटर है ना किनाई टिकुली काजर कहां से ले आई अब कैसे टिकुली काजर अब कैसे टिकुली काजर अब कैसे टिकुली काजर पाऊ डर की नहीं हो अब कैसे टिकुली काजर पाऊ डर की नहीं हो खटल बा कमाई भैया खटल बा कमाई बढ़ल अच्छा ता महंगाई हो खटल बा कमाई
जुटाई हो भैया, खर्ची जुटाई के हो की झूलानी गढ़ाई हो। हटल बा कमाई भैया, हटल बा कमाई बढ़ल अजहर का महंगाई हो। हटल बा कमाई बढ़ल ज्यादा महंगाई हो। हटल बा कमाई भैया। हटल बा कमाई भैया, हटल बा कमाई बढ़ल अजहर का महंगाई हो। हटल बा कमाई बढ़ल ज्यादा महंगाई हो। हटल बा कमाई भैया। राजा, राजा नाम है ना तोहर, हमरा के लोग राणा साहेब कहेला। चल बैठ गाड़ी में, तोहरा से कुछ जरूरी बात करे के बा। बियाह के पहले दिने आटा दाल के भाव पता चल गई, तब सोचा सारा जिंदगी गुजारा कैसे हुई। लागत हमार पूरा इतिहास पता करके आयल बड़ा। अरे जिंदगी में कब तक छोट मोट हाथ मारत रह बा, हमरा संगे आ जा, एगो बढ़न दाव खेल जा। कौनो हड़बड़ी नहीं थे, सोच ला। इला हमार कार्ड, जब समझ में आई तो आ जाइए। चला ड्राइवर। का हो बनल खाना? अरे ली आवा जल्दी, पता नहीं इतना देर से का हुई में। इतना खाए चिल्लाता नहीं, ली खाए। की का खाली भात और टमाटर की चटनी? रोवा 100 रुपया में खाली भाते चटनी नू आई खाई। हाँ कौनो बात नहीं खे, वैसा भात तो के बहुत पसंद है ना। का करे, भात और भतार से कबो मन ना भरेला। नमस्कार। हाँ काम बताएं राणा साहब। इका हमार फोटो हमरे काहे दिखावता नहीं? ध्यान से देखा, एकरा में और तोरा में जमीन आसमान के फर्क बा। तू सिर्फ नाम के राजा बाड़ा और ये दौलत के राजा बा। 50 करोड़ के हवेली, 1000 एकड़ जमीन, 200 करोड़ के चीनी मिल और कई राइस मिल, कुल मिला के वैशाली के 200 करोड़ के एक लौता वारिस। राजा ये पूरा 100 करोड़ हमनी के हो सकता। इला हमार हिस्सा 50-50। अब तोरा के हुआ बतावे के पड़ी कि तोरा का करे के बा। अरे ना हो, सब समझ गए। चीयर्स। काबिल दमा के टेका लगा। हाँ।
अब ठीक बानी। थैंक यू एसपी साहब। दीपक बाबू रहुआ हमरा संगे थाना चले के पड़ी, 2 मिनट के कानूनी कार्रवाई बा। जी साहब, ई रजिस्टर साइन करी। दीपक यादव, राहुल सिग्नेचर तो बहुत आसान बा, केहू भी कर सकेला। जौन काम देखे में आसान होला वो करे में बहुत मुश्किल होला। ठीक बा चलो तनी चलो सुना। दोबारा मत दिखिया लोगे शहर में। जी साहब, समझ गए साहब। का हाल बनोले बाड़ा? हाँ अरे माई वो मार्केट में। अरे माई हम बतावता नहीं। हाँ बतावा। कुछ कुंडा सन ना हमारे हार छीन के भागत रलन। हाँ फिर भैया वो चोरवन के पकड़ लेलन, फिर खूब मरलन, इने मारलन ओने मारलन, खूब लड़ाई भई। लेकिन हमार भैया हमार हार ना छोड़लन। अपने बहनी के हार कैसे छोड़ देती? ए भागीना, ते तो खाली हार ना छोड़ लेना, आज हम रहती ना ओनहन के पूरा दुनिया छुड़वा देती। ए हसमुखवा, हां मामा जी, चला ताले ना, हम कितना खतरनाक आदमी बन गया। इसके बतावा काहे हंसे लगला, बतावा। दीपक भैया मामा जी सच में बहुत खतरनाक आदमी बड़े। अच्छा, 10 गो गुंडा लोग मार्केट में इनका के पीटत रहे तो हम गए नहीं बचावे खातिर, तो 10 गो गुंडा हमारा के पीटे लागल। मामा जी के खतरनाक पन देखा का कहले मालूम बा? का कहले? सीधे गुंडवा के गोर पे गिर गए ले, बोलने की ए भाई एकरा के छोड़ दे, एकरा के मत पर छोड़ दे। चुप। अरे नौकर हो तो नौकर जैसा रहा, भाग जा से। केला और लाई। अरे हसमुखवा, अरे तनी जल्दी लाओ। अरे लावा तनी। अरे बाप रे भाई ली। अरे बाप रे। अरे वारे हसमुखवा, इडली तो बहुत बढ़िया बना रहे, मजा आ गए, बाकी पेट ना भरल। सुना, एक गिलास दूध पे बढ़िया मलाई मार के ले आवा। मामा जी राउर अपन घर में खनवा कम मिलेला का? कि साल भर अपन बहन के घर में पड़ल बड़ा मस्त ढकोसा तड़ो। नौकर हवे तो नौकर जैसा ना, ज्यादा मत बोल, जो मलाई मार के बढ़िया दूध लेके आ। मने मने गरियाव ताले का रे? हाँ बाहर निकाल। मुँह से बोल दी, कहत रहनी नू कि खानवा थोड़ा कम खाल कर, न तो तुहार पेट बानू आइटम बम लेखा फाट जाई और तू भाण में मिल जाए। जो ले के आ। हाँ का दुदवा? अच्छा मलाई मार के लावा तानी, मलाई मार के हाथ पैर वा डोरा लेखा, अब पेट हो गई वा घोड़ा लेखा। मलाई खाइए दूध में मिला के, मलाई खाई है। मलाई कैसे दी? मलाई मलाई, हाँ ई रहल मलाई। अब तोहरा बहुत मस्त बढ़िया वाला मलाई खिलाओ तानी मामा जी, खाइबा तो जिंदगी तर जाई। आई हो गेल मलाई, आहा मलाई मार के गर्मा गर्म दूध मलाई मार के। अरे वाह रे वाह रे हसमुखवा, मलाई तो बहुत मोटा मरले बाड़े। हम ही बने ले बानी, खाई 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 खाई। हाय का भाई ढुकत नहीं खे? हम ढुका दी, थोड़ा गर्दनवा झुका ली। ढुक गई। सोना जी, भैया जल्दी आवा, लेट होता। अरे आवे तो नहीं तैयार होके। अरे जल्दी चला। प्रणाम। खुश रहा, ऑफिस जाता रखा? हाँ माई। तो जल्दी से नाश्ता कर लो। ना माई, ऑफिस में नाश्ता कर ले, अभी लेट होता। एक सैंडविच खाए में कितने टाइम लगी? हाँ स्मोक सैंडविच ले आओ। आई सचो में एकदम भूख नहीं के। खा ले बेटा, ना तो दुबरा जाइबा। फिर लोग कहिए सौतेली माई है, लइकवा के खाए पिए के ध्यान नहीं खेरा खा। कैसन बात करे तारू माई, तू तो जाने लो हम तो क्या अपन सगी माई से बढ़ के समझेला। दीपक भैया सैंडविच ला बेटा खा ल। अरे सोना बेटा जल्दी से खा लो। ना टिफिन बना, हम कॉलेज में खा ले। द टिफिन द। हाँ हाँ ली। चलो लेट हो।
नमस्ते चाचा। हाँ नमस्ते बेटा। अरे बेटा हाई को चेक बतानी साइन करके जाता। अभी लेट होता, बाद में साइन कर दे। अरे जरूरी बा, कितना टाइम लगे? हला चाचा वो नाम लिखे लिखल के देव के बा। अरे हाँ वो नाम लिखे भुला गई, वो है अनाथ आश्रम वाला। अनाथ आश्रम वालन के तो पिछले महीना चेक दिया रहे। दीपक कहा है ना कि वो तहरा पिताजी के नाम से दान में दिया रहे, हम अपना नाम से दान देता नहीं। अगर तोहरा कोनो प्रॉब्लम है तरा है दा। अरे तोहरा दान पुन केला से हमके कौन प्रॉब्लम हो सकेला माई। ठीक बा चला था। अच्छा अच्छा ठीक बा, ध्यान से जाइ। हाँ। पता नहीं ऐसे एकरा टुकड़ा पे हमनी के कब तक पले के पड़े। जब तक ही जिंदा बा तब तक। जल्दी बैठा सोना। अरे हाँ बाबा बैठा तानी। सलाम साहब। चलो सोना निकल जा, अब हमके लेट होता। अंदर तक तो छोड़ दा। अरे इतने दूर चल के ना जा सकलो, जरूरी काम बा ना हमके। तोरा यही बेरा रोज रोज कौन सा जरूरी काम रहेला? अब ये सब बात जान लेबू, जा ना। चलो बाय सोना। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बा, कौनो बात ना, कबो ना कबो तो हमरा पता चल भी करी। चक्कर कैसन चक्कर? प्यार मोहब्बत के भैया जमहार गे, कहे कि जे इश्क में डूबेला ना फिर उगेला ना। अरे ना ना ऐसा कोनो बात नहीं है। यार रंजीत तोरा के डर ना लगेला? कैसा डर बे? अरे दीपक सर हमनी के बॉस हवन, मालिक हवन, और तू उनकर के कुछ बोल देला। हाँ यार डराए के चाहिए ना। हाँ। अबे कहाँ के बॉस कहाँ के मालिक, हमनी चलाई ले कंपनी, हम और हमार बड़का भैया ब्रजेश सिंह। अगर ये कंपनी छोड़ दी ना हमनी तो तुम्हारी दीपक बाबू सड़की पे भीख मांगे लगी है। कहाँ मांगे लगी है? सड़की पे भीख। हाँ, मालिक बनाना। दीपक कहाँ हो जाला तो के जब तू वो लड़की के सामने जाला? काहे कुछ ना बोल पावे लोकरा से? अब चाहे जाऊं कुछ भी हो जाए, काल तक हम उनसे अपने दिल की बात करके रहा। एक बात कही? हाँ बोला ना।
तुहार आंख बहुत सुंदर बा, जहां भी देखे लो एगो रिश्ता कायम हो जाला। कौन चुमक बाटे तोहरा भितरिया करेला मन सट जायो, कौन चुमक बाटे तोहरा भितरिया करेला मन सट जायो। लेवता पठावे लागल धानी रे चुनरिया, प्यार जग होइए गई देखो ना उमिरिया, संघे संघे को चनार देखी कुहू के करे जा, जैना करार लिहलू आवा दिल ले जा, टप प्रेम रस टप के सजनिया पी के उलोट जाय हो। कौन चुमक बाटे, कौन चुमक बाटे तोहरा भितरिया करेला मन सट जाय हो। बड़ा भोला बड़ा हमारो सवरिया करेला मन फट जाय हो। सर सर ये बैंक से स्टेटमेंट आयल बा, एकरा के देख ली। अच्छा ठीक है। रुका रुका गाड़ी रुका। अब टाइम कितना हो
होता? चलो ये बस का पीछा करो। भाभी की व्यवस्था हो गई। ये लड़का कौन है? पता नहीं दीदी, कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। तो तुम इसकी शिकायत क्यों नहीं करती हो? हाँ दीदी, अब तक नहीं की, पर अब लगता है शिकायत करनी पड़ेगी। भैया, वो बस वाली कह रहे हो? बस वाली? कौन बस वाली? अरे वो है जिकरा संगे बस में तू घूमत रहला हा। हमरा लगे तो खुदे कार बा, हम काहे के बस में घूमी। अच्छा तो ऐसे ना बताइबा। ठीक बा, हम अम्मा से जाके कहता नहीं। सुन 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 सुन, हम खुदे नहीं की जानत कसम से रे, ना तो तुके बता देती। अच्छा तो तू बिना जनले ओकरा संगे बस में घूमत रहला हा? का बताई, जब से देखले बानी खाली पीछे पीछे घूमत है। तब बात काहे नहीं करत? डर लगा था कहीं शिकायत कर दी तब। देखा भैया, अगर वो शिकायत नहीं की करत तो बुझला कि वो तोह से तोह के ज्यादा प्यार करी ली। और ये अगर वो शिकायत कर देलस तो तुहार तो भगवान है मालिक बाड़न। लगा था ब्रिजेश चाचा से शिकायत करे हल भैया। अरे सुनो सुनो सुनो, हम ऐसा लेकर आए जैसा तू हमरे बारे में सोचा था। अब सुनो ना, देखा हम सही कहता नहीं बाबा। अब देखा ऐसा मत कर। सुना Excuse me. Yes, ma'am. हम के ब्रिजेश जी से मिले के बाद। Please आप वेट कीजिए। Okay. देखा, तू जैसन सोचा था रू हम वैसन लेकर ना आए। मैडम सर आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ दीपक, हाँ तनी हमरे केबिन में आवा था। जी चाचा जी। बेटा दीपक, ये हम का सुना तनी? ये मैडम कहा तारी कि तुनकर पीछा करेला? जी चाचा ब, ब, जी ना बा ऐसन। इतना बड़ कंपनी के मालिक होके ये कुल काम करबा तो हमनी के कितना बेइज्जती हुई तो के मालूम बा? ये कुल सड़क छाप टपोरी लोग के काम है। सर सर हा? आपको ब्रिजेश सर बुला रहे। हाँ दीपक बैठा। दीपक ये आरती है। आरती जी ये दीपक है, इस कंपनी के मालिक। नमस्ते। दीपक ये बैंक के मार्केटिंग हेड है। अच्छा। वो अपन जो नयका फैक्ट्री खातिर एप्लीकेशन दिया ले लोन के वो पास हो गई बा। अच्छा। तो कुछ कागजी करवाई बा? तू जा इनके अपना केबिन में लेके जा और समझा दे। आई। हमके पागल दीवाना बनवले हो।
अब रुकाला न बनले बनाला सनम दिल उड़ेला सजनिया तो हम का करी अब रुकाला न बनले बनाला सनम दिल उड़ेला सजनिया तो हम का करी अब रुकाला न बनले बनाला सनम अब तो पूर्वी बायरिया जरा वे जिया मनवा खोजे लगल तोहरो गोरा पिया एक तरफ से संहारी उड़े एक तरफ सर से सर के ओढ़निया तो हम का करे एक तरफ से संहारी सर से सर के ओढ़निया तो हम का करी एक तरफ से संहारी उड़े एक तरफ चला दिहल तू नींद अखिया से कोसो भगा दिहल तू प्रीत के रंग ऐसन चढ़ा दिहल तू खनक कंगना के सजना बढ़ा दिहल तू तन बा अपना लगे मन बा तोहरा संगे बस में नहीं खे बदनिया तो हम का करी तुह के मारे लमन अब तो अपन सजन जोर मारे जवनिया तो हम का करी एक तरफ से संहारी उड़े एक तरफ सर से सर के ओढ़निया तो हम का करी सनम चले लागे ला दिलवा पे छूरी सनम तुहु से मिले लहम जब बढ़ाई कदम छम से छमके बजनिया तो हम का करे बोला ना कटे एक छन तोहरा दिल ए सनम निक लागे न दुनिया तो हम का करें अब रुकाना न बनले बनाला सनम दिल उड़ेला सजनिया तो हम का करें अब रुकाना न बनले बनाला सनम सर है कुछ पेपर है ब्रिजेश सर भेजले हमन साइन करे खातिर तन ब्रिजेश चाचा के अंदर भेजा यस सर बैठी चाचा हाँ बेटा क्या बात है चाचा देखी ना हमरा समझ में नहीं किया कि हर महीना चीनी के उत्पादन में इतना कमी काहे होता अरे बेटा वो बाढ़ की वजह से गन्ना का पूरा फसल वे बर्बाद हो गई अब जब गन्ने में नहीं खियावत तो उत्पादन तक कम होके भी नहीं करी हाँ चाचा लेकिन आप पेपर देखें गन्ना की खरीदारी में कोनो कमी है नहीं खे हर महीना देखें चाचा हमके तो लगा था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही कोनो गड़बड़ी बा मार्केटिंग हेड तो हम बानी ना तोहार कहे का मतलब कि सारा गड़बड़ी हम कर रहल बानी अरे हम तोहरा के नहीं कहत अब लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी होते ना बा सीधा सीधा बोला ना
कि सारा चोरी हम कर रहल बानी है? घुमा फिरा के बात काहे करत आरा? देखा था नहीं भैया है, ये फैक्ट्री खातिर हमने दिन रात खून पसीना बहाता नहीं, और अगर सिला का मिल रहा बा ई। अरे हम इनके थोड़े कहता नहीं, देखी झूठे बुरा माना तारा। ना ना बेटा, आज तू हमारा छोट भाई पे इल्जाम लगाओ तारा तो कल हमरो पे लगा देबा। तोरा बाप के जमाने से हमनी ये फैक्ट्री के सेवा करता नहीं जा, आज तक कोनो इल्जाम ना लगल, इसे पहले के कोनो इल्जाम लगे तो हर फैक्ट्री छोड़ के जाता नहीं। चल भैया, चल चाचा, हम आपके बेटा के समान है ना चाचा, अगर हमसे गलती हो गई तो हमके माफ कर दी, आप लोग के बदौलत ही फैक्ट्री चला था चाचा, आप लोग चल जाए तो फिर हम अकेले का कर, माफ कर दी चाचा। ठीक बा, ये तो हर पहला गलती है, ऐसे माफ करता नहीं हो, भविष्य में कौनो भी इल्जाम लगौला से पहले सबूत इकट्ठा कर लिया जी। चल रंजीत। भैया। हाय आरती। ओ हाय दीपक। इनसे मिला, ये हमारे छोट बहन सोना है। हाय। हाय सोना, तुहार नाम बहुत अच्छा बा। तोरो नाम भी बहुत प्यारा बा। तू टेनिस खेले आयल बाड़ू का? हाँ। अरे वाह, तू भैया के साथ खेला ना, हम खेल खेल के थक गयल बानी। ठीक बा। इला हाय दीपक। हाय रंजीत। हाय आरती। हाय रंजीत, कैसे हो? एकदम बढ़िया, तू बतावा। अरे तू लोग एक दूसरे की जाना तारा? जाना तारा? अरे महाराज, एक क्लब में हमारी दिन के लेके आई नहीं, इससे पहले पता ना कौन क्लब में खेलत रहनी। भौजी कैसे बने? एकदम मस्त। मम्मी? एकदम ठीक। अरे उदिन डिनर में जो मम्मी तुम्हार पुलाव खेले रही ना, बाप रे इतना बढ़िया टेस्ट रहे कि मांस तक ना भूल पोनी, बहुत मजा आया। और बताओ तुम्हार बैंक का काम कैसे चला था? एकदम बढ़िया चला था, तू आपन सुनावा ना। एज यूजुअल मस्त। हमके का होई? खेले के? हां खेले। हाय सोना, कैसन बाड़ू? फर्स्ट क्लास। हां अरे कैसा सर्विस करता रहा महाराज। अरे ऐसे पकड़ा, बॉल कैसे पकड़ा, तनी यार दा उछाला तनी हो के? हां उछाल के, अरे हवा में उछाला हो के। अरे अबे दादा ऊपर मत उछाल था कि बाहर चल जाए। पकड़त गलत बड़ा तू, ऐसे पकड़ गला, देखा ऐसे है, देखा वहां खड़ा हो जा, खड़ा होके देखा हम कैसे खेलते। रेडी आरती? रेडी। हाँ। अरे बहुत बढ़िया पिक्चर लगल बा, देख लोगे ना? कौन फिल्म? प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान के। ना हम ना देखनी तो चला देखा जाए ना, आज हम के घर जल्दी जाए के बारन जी। अरे हम घर छोड़ दे, चला जा, इतना बढ़िया पिक्चर लगा। चल उठा 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 चला। अच्छा ठीक है, बाय दीपक। बाय सोना। हेलो। हेलो आरती। हाँ हम सोना बोलता नहीं, दीपक भैया के बहन। अरे जॉन ओ टेनिस क्लब में मिलल रहनी। ओ हाँ, हाय कैसन बाड़ू? हम बिल्कुल ठीक, बढ़िया बानी। अच्छा आज शाम के तू फ्री बाड़ू का? हाँ काहे, कौनो बात बा का? हाँ एक्चुअली ना हम और दीपक भैया ना आज शाम 4 बजे शीशा रेस्टोरेंट में जाता नी, फ्री बाड़ू तो आ जा। ठीक बा, तब हम पहुँच जाए। भैया ओ आरती के फोन आयल रहे भैया। कहाँ? हमरा फोन पर। तुहार फोन नंबर उनके कब मिला? अरे हाँ वो कल टेनिस क्लब में मिल रहा नहीं ना, तब भी हम उनके आपन नंबर दे देनी। अच्छा का कहत रही है? कुछ नहीं, आज शाम 4 बजे शीशा रेस्टोरेंट में बुलावत रही है हमके और ये तहके। सही? एकदम सही, पक्का हम तो जाए, तू चल बाका। अरे इतना सोचे की जरूरत नहीं खे, अगर नहीं खे जाए के बाद तो कौन बात ना, हम चल जाए। अरे ना ना हम चलम ना। तो कितना बजे? 4 बजे। भैया वो 4 बजे के टाइम दे ले रही और ये तो आधा घंटा पहले पहुंच गई ला, अब इंतजार कर रहा बैठ के। सर थोड़ी देर में आओ। ओके सर।
घंटा पहले आ गई ली। आप दोनों और बराबर है लागल बा। हाय 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 दीपक। बैठा भैया, तू यहाँ आके बैठ जा, हम वहाँ आता नहीं। बोली सर, का लाई का खेबू आरती? जॉन तो हर मन होके। ओहो भाई, अलग अलग बोले में बहुत टाइम लगी, ऐसे सबके एक के साथ है। हेलो हाय हाय। हाँ दीपक, सोना के बगल में बैठ जाना, आरती से कुछ बात करेंगे। आजा ना। अरे बैठ जा भाई, जरूरी बात करेंगे। हाँ हाँ वेटर। यस सर। ऑर्डर ले। जी। दो चिकन कढ़ाई, दो दाल फ्राई, दो प्लेट राइस, 8 तंदूरी और 4 रस मलाई। जी। और हाँ सुन, किचन में श्यामलाल हुई, उसे कहिए कि रंजीत साहब का ऑर्डर है, बढ़िया से बना के दे। काका बे, रंजीत सर के ऑर्डर है। अबे सर ना, रंजीत साहब। जी सर, रंजीत साहब के ऑर्डर। चल निकाल के। अरे वाह रंजीत, ये होटल में तो थार बड़ी धाकबा। अरे सब हमार चेहला चपाड़ी वाले हैं। अच्छा, और तू खाना भी हमरी पसंद के मंगवला, और रस मलाई वो तो हमार फेवरेट है, मजा आ जाए। अरे अब हमसे ज्यादा तोरा पसंद के बारे में क्या जाने ला। तू तो पेंटिंग भी कर लू ना। थाने रोड पे बहुत बढ़िया एग्जीबिशन लगल बा, देख लू ना। ला चला दिखाओ तो। आवा, जल्दी करा, चला। बाय बाय बाय। सर बिल। बिल? जी। ए, गेट खोल। ई गेट बिना चलान के ना खुली। ए! कावेल वॉचमैन साहब, ये लोग चलान नहीं दिखावत, माल चोरी करके ले जाता। नया बाड़े का? हाँ साहब, राम सिंह के तबियत खराब बा, यही से उनकर जगह हम आयल बानी। अच्छा अच्छा, नया बाड़े यही से तोरा समझ में नहीं आओ। गाड़ी जाए दे, गेट खोल दे। ना साहब, बिना चलान के हम गेट ना खोले। गेट खोल दे तो नौकरी परमानेंट कर दे। हम खोल दे गेट। माफ करी साहब, मालिक से चोरी ना। हमरा के बचा ली साहब, ये लोग हमरा के मुआ दी साहब। का है? का भाई? साहब, रंजीत साहब कंपनी से ट्रक में माल भर के चुरा के ले जाते रहे, जब हम रोकनी तो हमारी ये हाल कई दे ले। ना, तो रंजीत के नौकरी से ना निकल सके ला। का है? आपे न कहले रहनी चाचा जी कि चोरी के इल्जाम लगावे से पहले सबूत चाहिए, तो जब ये रंगे हाथ पकड़ल गेल बाने चोरी करवावत तो इनके कहे ना निकाल जा सकेला। बहुत हो चुकल तुहार बास, ये फैक्ट्री की हम दोनों भाई मिलके चलावे नहीं जा। ए दीपक, तुहार औकात नहीं है कि तुम्हारे भाई के नौकरी से निकाल सका। ब्रिजेश, अपना औकात में रहा, हमार बेटा के औकात देखेंगे, तुहार औकात नहीं खे। ई मत भूला, तू ई फैक्ट्री में नौकर बाड़ा और हमार बेटा दीपक ई फैक्ट्री के मालिक। तू लोग कान खोल के सुन ला, यह उहे होई जोन हमार बेटा दीपक चाही। का भेल, नाराज बाड़ा हमरा से? ओ घड़ी हमरा के भी बहुत बुरा लागल, तू हमार मजबूरी समझे के कोशिश करा। तब तक मजबूरी में कहियो हमरो कत्ल कर देबू। हाँ।
ब्रिजेश, पानी सर से ऊपर उठ गई बा। तहरा हमरा तरफ से पूरा छूट बा। तू दीपक के रास्ता से हटा दा। हाय दीपक। हाय आरती। हाय सोना। हाय। आए हाय, इतना अच्छा खेल बुता भाई, सही हार जाए भी यार। तू भी नारंजी। हाँ शर्टी मत करा। कब्बो ना सुधर बाबू। हमरा क्या हारा भाई, बुत चैंपियन बाड़ी हम यहाँ का। हाँ कुछ भी कह। दीपक हमार गेम ओवर हो गई, लो तू खेल लो। ऐसा ना आरती। हाँ? कि हमरा के खराब खिलाड़ी के साथ खेले का कौनो शौक नहीं। दीपक चलो सुना। अरे दीपक सुना था रंजीत तो के दीपक से ऐसे बात ना करे के चाहत रहे। मैसेज आई लव यू आरती। आई लव यू दीपक। कल 12 बजे मोतीबाग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारी आरती, तुम्हारा दीपक। भैया अब तक आईने का है ना, आधा घंटा हो गई अब ही लेना आईले। एक बार बाहर देख लेता हूं अभी लेना आइलन। लागता हमरा के बेवकूफ बनावत आ रहे। घर से फोन। हेलो सोना दीदी, जल्दी घर आ जा, दीपक भैया के एक्सीडेंट हो गई बा। सर, बाकी काम भैया के बाद केकर काम करेगा। बा केकर भाभी जी
कुछ वसीयत के पेपर बा, जौना पे राउर के साइन चाहिए। इमे लिखल बा, राउर बेटा दीपक के स्वर्गवासी भइला के बाद अगर 15 दिन तक केहू दावा ना कैलस तो ओकर चल अचल संपत्ति रउआ के नामे हो जाई। ली साइन करी। हम का करब ये सब जमीन जायदाद लेके, हमसे तो हमार हिरानियन बेटा छीन गईल और रउआ लोग ये जमीन जायदाद के पीछे पड़ल बानी। ले ली लोग ये सारा जमीन जायदाद हमसे ले ली, लेकिन हमरा के हमार बेटा वापस चाहिए। हमरा के हमार बेटा वापस चाहिए, हमार बेटा चाहिए। अरे चुप हो जा बहनी, मत रोवा, जौन होए के रहे वो तो हो गए। अरे बहनी, हम जिंदगी भर तोरा साथ रहब, तोरा के छोड़ के कबो ना जाब। साइन करा। ली साइन करी। भैया अरे ये क्या करता रहा? दीपक भैया के जगह पे ब्रिजेश सर के नेम प्लेट लगावता नहीं। अरे एकर कोनो जरूरत नहीं है। देखा ब्रिजेश सर की आदेश बा। अरे ब्रिजेश सर के बारे कहे वाला, चल हट, हटाओ, निकालो नेम प्लेट, दीपक सर के नेम प्लेट लगाओ, लगाओ। कान खोल के सुन ली सब लोग, आज से दीपक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नया मैनेजिंग डायरेक्टर हम हैं और जनरल मैनेजर के पद हमारे छोट भाई रंजीत सिंह संभालिए। और हाँ, जकरा के भी फैसला मंजूर ना होख है, अभी इसी वक्त ये कंपनी छोड़ के जा सकेला। ब्रिजेश चाचा, भैया के नेम प्लेट रवा काहे फेंका था नहीं? सोना ही तोरे माई का फैसला बा कि तोरे भैया के जगह पे अब हम ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहब। भैया के जगह केहू नहीं खेले सकत, चुपचाप भैया के नेम प्लेट लगा दी। मरल आदमी के नेम प्लेट लगावल अशुभ होला, और वैसे भी तुहार भैया कोनो भगवान ना रहले जेके सुबह शाम माला फूल चढ़ावल जाए। हमार भैया के नाम तमीज से ला, ई मत भूला कि उनकरा सामने तुहार औकात कुछ नहीं खे। हमके हमार औकात मत बताओ, ना तो भैया कस के रगड़ देब तो तोके तोर औकात पता चल जाई। इतना हिम्मत कि हमरे भैया पे हाथ उठा ले? अम्मा, ये देखा, ये दो कोड़ी के आदमी हमरा साथे कैसे बर्ताव कर रहा था? भैया एकरा के फैक्ट्री से निकाल देले रहलन, फिर भी आ गइल बा। अम्मा, हमरा तो बुझाता कि दोनों भाई मिलके भैया के खिलाफ कोनो बहुत बड़ा साजिश रचा था रसन। ये दोनों के अभी फैक्ट्री से निकाल दा, निकाल दा अभी। विजय जी, ये सब का होता? हमरा तो बुझाता कि हम रउआ के मैनेजिंग डायरेक्टर बना के बहुत बड़ गलती कर देनी। काहे कि रउआ के ऑफिस में रउआ के स्टाफ के सामने एगो लड़की रउआ के तमाचा मार देलस और रउआ खड़ा होके तमाशा दिखाता नहीं। अगर हम रउआ के जगह पे होती तो अब तक एकरा के धक्का मार के बाहर निकलवा देले रहती। ए, निकल यहाँ से, और आज के बाद दोबारा यहाँ ऑफिस में कदम मत रखिए। चल निकल। ए, रुक 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 रुक, केकर सामान है रे? हमार सामान है, रात से हम एजर रहब। अरे रउआ तो पूरा बोरिया बिस्तर लेके आ गईल बनी, राउर घर में आग लग गईल बा, का हो? हसमुख, तमीज से बात करा। ब्रिजेश जी आज से इहे रही हैं और इनकर सामान दीपक के कमरा में पहुंचा दो। दीपक भैया के कमरा में? हाँ, उन्हीं के कमरा में। लेला हम बर्दाश्त कर लेनी, लेकिन एक बात याद रखिया, हम अपना जीते जी भैया के कमरा पर तोहार कब्जा ना होके दें।
ई रहल ऑफिस वाले थप्पड़ के जवाब। और एक बात तुहू सुन ले कान खोल के, आज के बाद हमरे काम में टांग अड़ौले तो तोरू हॉल करब कि कहीं मुंह दिखावे लायक ना रहबे। हसमुख, तू मुंह कहां देखा तारी? इनकर सामान दीपक के कमरा में पहुंचा दे। जी मालकिन। मरला के एक सप्ताह भी ना भइल, यकीनी लोग अपन अपन रंग दिखावे लागल। हमार भैया जिंदा पाड़े और तू देख लिया, बहुत जल्दी आई है और ई लोगन के सर्वनाश करी है, सर्वनाश। अरे भागिनी, दीने में बहुआ तारी करे। सुना, अब तो हार भैया कबो ना आई है, वो गईल। इला इला अपन भैया के तस्वीर ले ला और जा अपन कमरा में बैठ के खूब रोवा, उनके नाम के माला जपा, हमार भैया, हमार भैया, हमार भैया। अरे ते कहे रोवा ताड़े रे, जा हमरा लिए कुछ खाए पिए खातिर ले आ। अरे आज सवेर में 7 बजे के 10 गो रोटी नाश्ता में कैले बानी, अब देखा 10 बजा था। और सुना, हमरा खैला पियला के ठीक से ध्यान रखा, नहीं तो तोहर कलगोचों का नोच ले। और सुना, एक बात हमार ध्यान से सुना, अब फैक्ट्री के मालिक हमार बहिन हेम लता बानी और ये पूरा घर के मालिक अब हम बानी है, बुझला है? तो रोज 10 गो रसमलाई, 3 लीटर दूध, आधा किलो काजू बादाम, और अगर 3 टाइम नाश्ता 3 टाइम खाना हमरा के नहीं देला ना, तो तोहर तोहर नौकरी खत्म। अबे खत्म तो खत्म, हमरा कोनो फर्क ना पड़ेला, काहे कि हम तहरा जैसे नहीं जा फेरी में ना ढको सतानी, मेहनत करतानी तो तू वक्त के रोटी खातानी। अच्छा हां, और तू हमरा के नौकरी से का निकलवा हो, निकलवा तो निकाल दे, हमरा कोनो फर्क ना पड़ी, काहे कि हमरा जैसे ईमानदार आदमी के केहू नौकरी पे रख ली, तू सोचा तो हार का हुई बगिया से भाग। आरती बिटिया, ये हवन ब्रिजेश बाबू और ये उनका छोट भाई रंजीत बाबू, इनकरा से ही तो आर ब्याह तय होत बा। वैसे था हम शुरू से आरतिया से ब्याह कर चाहत रही, लेकिन कबो बताओ नहीं ना, हम सरप्राइज देल चाहत रही। हमरा के तो लड़का पसंद बा, और वैसे भी तू दोनों जने एक दूसरे के जानत बाड़ा, हमरा तरफ से ही बिया पक्का। देखिए अनुबाबू, आरती अब हमरा घर के बहू बने वाली बड़ी, और हमरा कुल खानदान में बिया भइला के बाद बहू बेटी घर से ना निकलेनी, नौकरी ना करेनी। रहुआ आरती जी से कह दी कि काल से नौकरी से इस्तीफा दे दे। हाँ, कहीं घूमे फिरे भी जाए के होता रंजीत के ही साथ जाइए। ठीक बा, जैसन राहुल मर्जी। आरती बिटिया, तू नौकरी से इस्तीफा दे दा, कल से तुहार ऑफिस जायल बंद, समझ लू? जी बाबूजी। क्याले हसमुख बा, यह इतना बड़ सोसाइटी के पार्टी चला था, आ तू दीपकवा के याद में आंसू बहाओ तारे है जो, अरे साइड में जो तू पैक मार और फिर है। अरे तू गरीब लोग गरीब में रहवा। मामा जी, भगवान बहुत अच्छा काम कहले कि हमरा गरीबे पैदा कहले, काहे कि तहनी जैसे ऊंची सोसाइटी वाला लोग जेकर नमक खाला
ओकरे जखम पे नमक छिड़केला। बाकी हम गरीब लोग एक बार केकरो नमक खा ले भी नहीं ना तो पूरा हक अदा कर देवे नी मामा जी। आई हमार आंसू ना हा, घर के खाई नमक निकल रहल बा हमार आँख से, तारा समझ में ना आई। जबान से एक लफ्ज निकल ले तब तो जबान खींच ले। भैया आज से एकर सारा पढ़ाई लिखाई बंद, आ एकरा के नौकर वाला कमरा में शिफ्ट करा, और काल से घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धोवल घर के सारा काम एकरा से करवैया। और अगर ई तनिको भी मलिकाना तेवर दिखौलस तो एकरा के मार मार के चमड़ी उतार लिया, ले जा यहाँ से। अरे हंसमुखवा जी मालिक, जा एकरा के अपन बगल वाला रूम में शिफ्ट कर दे, ले जा। तू हमरा साथ चला चला है जैसे दीदी, तू चला बहुत हो गई। है राखी कितना क्या? 10 रुपया। हाँ हाँ आइला। सोना दीदी ई का करता रू, हाँ ई का करता रू, ई सब हमरा से ना देखल जाए। रोआ जीन राखी मंगवेले रहलू, हम लेके आयल बानी हाइला। हाँ हसमुख, अगर भैया रहते तो ई राखी हम उनकरा के बांधती। तू तो तू रुक जा, ई राखी ना हम भैया के फोटो पे चढ़ा के आवतानी। हाँ हाँ जा। हे कहाँ जाता ले रे, ये सब काम के करी रे, तोर बाप की तोर मुवल का भाई है? मामा ये राखी ना हम भैया के फोटो पे चढ़ा के आवत आनी। तोर राखी चढ़ौला से तोर मरल भाई वापस ना आई हैं? आई हैं, वो जरूर आई हैं, और तू पापियन के सर्वनाश करी है। बहुत जवान चलता तू है, बहुत जवान चलता है भैया। दीपक भैया, हम कहले रह लीलू हमार भैया आए हैं, अब आग फाड़ फाड़ के देख ला सन, आ गए ले हमार भैया तोहनी के पाप के अंत करे खातिर। ना ई दीपक नहीं खे हो सकत, ते 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 के हमारा बहुपिया। हाँ अच्छा अनरागेल बाडू लौकत नहीं खे तो चश्मा लगा ला, दीपक है हम दीपक। हेलो। हाँ हेलो आजी साहब। हाँ बोली आजी साहब। रहुआ तो जाना तानीना की दीपक के मरला हफ्ता 10 दिन हो गए। हाँ तो हमारा घर में दीपक के चेहरा वाला कौनो भरुपिया आइल बा, वो अपने आप के दीपक कहा था। रहुआ जल्दी आई। ठीक बा, थोड़ी देर रुक जो, आजी साहब आवता रहे, वो खुदे बता दिए कि टिके हुए। आईजी के बुला ला, डीआईजी के बुला ला, कलेक्टर के बुला ला, और मन करे तो मजिस्ट्रेटों के बुला ला। तू अपने पिछवाड़ा के पूरा ताकत लगा ला, तुहरा पिछवाड़ा से हवा निकल जाए, लेकिन तू साबित ना कर पेगा कि हम दीपक नहीं। सही सोचता रहा तू लोग, एकदम सही सोचता रहा, हम दीपक नहीं, हम वो दीपक नहीं जो ना कि तू लोग अपना इशारा भी नचावत रहा। जब उठे कहा तो उठे, और जब बैठे कहा तो बैठे। हम वो दीपक हैं जौन अब तोहनी के बंदर की तरह न जाए। अब तो हमरा पूरा यकीन हो गई कि तय
हमार बेटा ना हुए, कहे कि हमार बेटा तोहरा जैसन जानवर ना रहे। सही कह दिया बुढ़िया, हाँ सही कह दिया, हम तोर बेटा ना है, हम तोर बेटा है ये ना है, हम तो तोर सौतेला बेटा है। भैया बहुत शुभ दिन के आइला भैया, और हमरा विश्वास के टूटे से बचा लेला। अजी साहब पकड़ लिए करके, यू है बहु रुपया जौन अपना आपके दीपक कहा था, गिरफ्तार करिए। अपने बेटा के नहीं के पहचान, अपने बेटा के क्यों ऐसे हथकड़ी पहनावे का लगा। अजी साहब हम सही कहा था नहीं, हमरा माई के दिमाग खराब हो गई बा, हमसे दूर रह के हम दीपक है। हाँ हाँ अजी साहब, हम कसम खा के कहा था नहीं, ये हमार दीपक भैया ही हवन। हाँ। एक मिनट अजी साहब, ये दीपक का चेहरा लगा के कौनो बहुत बड़ बड़ रुपया हो, लेकिन जल्दी ले जाए यहाँ से। ना 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 अजी साहब, हम सच कहता नहीं, ये दीपक भैया बड़े। हाँ। राउर कसम खा के कहता नहीं, ना अपन कसम खा के कहता नहीं कि दीपक के भैया बड़े। मामला बहुत पेचीदा हो गया बा, तरह के कोर्ट में साबित करे के पड़े कि तू ही दीपक बड़े, और जब तक ये बात साबित नहीं हो जात तब तक तहरा के पुलिस कस्टडी में रह के पड़ी। ठीक वाली पहनाई हथकड़ी, माई के दवाई खे या लोगों के दिमाग की हालत खराब हो गई, मैं अपने बेटा के नहीं के पहचान। जब तक ये साबित नहीं हो जात कि वो दीपक हवन, तब तक पैसा के कौनो लेन देन मत करिया लोग, बुझला ना, ता कानून केहू के ना छोड़ेला, ये बात याद रखिया लोग। अरे बहन, अगर ये साबित हो गई कि है दीपक है, तो हमारी जिंदगी के दीपक से बुझा आ जाए। चुप करो भैया, वो अब ई कोर्ट में कबो साबित ना कर पाई कि वो है दीपक है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो मिस्टर, आपकी माता हेमलता जी का कहना है कि आप उनके बेटे नहीं हैं। जी वो सही कह रही हैं, मैं उनका बेटा नहीं हूं, अगर ये मेरी माँ होती तो मुझे सीने से लगा लेती, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवाती, दरअसल ये मेरी माँ नहीं सौतेली माँ है। आखिरी बार आपको 8 दिन पहले देखा गया और फिर अचानक से आप गायब हो गए, कहाँ चले गए थे? हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था। ओ हॉस्पिटल में इलाज, किस चीज का? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपकी गाड़ी खाई में गिर गई, तो फिर आप अस्पताल कैसे पहुंच गए? जी नहीं, मेरी गाड़ी खाई में नहीं गिरी थी, मेरी गाड़ी ट्रक से लड़ी थी और एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गया, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रहा संजीवनी हॉस्पिटल का बिल। योर ऑनर, मैं संजीवनी हॉस्पिटल इंक्वायरी के लिए गया था, उसके हिसाब से मिस्टर दीपक जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हाँ तो आप होश में आने के बाद आपने सबसे पहले सूचना अपने घर वालों को क्यों नहीं दी? क्योंकि मुझे 3 दिन बाद होश आया, और होश में आने के बाद डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी। 5 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार था, मैंने सोचा अपनी बहन सोना को सरप्राइज दूंगा, और 8-10 दिन घर से बाहर रहना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और जो लोग मेरी मौत की कहानी रच रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ 8 दिन बाद घर आया हूं, 8 साल बाद नहीं। ये हस्ताक्षर पहचानते हैं आप? वकील साहब लगता है आप सठिया गए। ऑर्डर ऑर्डर, ये कोई भी देख के बता सकता है कि ये दीपक के हस्ताक्षर है। हाँ ये दीपक के हस्ताक्षर है, आपके नहीं। लगता है आज भांग खा के आए हैं। जब दीपक मैं हूँ तो ये हस्ताक्षर भी मेरा ही है। अच्छा तो क्या आप ठीक ऐसा ही दूसरा हस्ताक्षर कर सकते हैं? ऐसा दूसरा क्यों, ऐसा ही कर देता हूँ, कहाँ करना है बताइए। हाँ
संभल कर दीपक साहब, दूसरों के हस्ताक्षर की कॉपी करना इतना आसान नहीं होता। आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं नहीं, समझा रहा हूं। थैंक यू योर ऑनर। मैं सिग्नेचर एक्सपर्ट से इस आदमी के सिग्नेचर और दीपक यादव के सिग्नेचर का मिलान कराना चाहता हूं, ताकि ये साबित हो सके कि ये जो शख्स अपने आप को दीपक यादव कह रहा है, क्या ये दीपक यादव ही है या उसका हमशक्ल। इजाजत है। थैंक यू मिलोर्ड। लीजिए राणा साहब, और सिग्नेचर की रिपोर्ट जल्दी मंगवा दीजिएगा। ओके। सिग्नेचर एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने तक कोर्ट को मुलतवी किया जाता है। बाप रे बाप, अरे वो तो हमनियों से बड़ा वाला कमीना बुझाता। देख रहा लोग, अरे अदालत में ऐसे सीना तान के खड़ा रहला जैसे दीपकवा के हम शकल ना दीपक वे होके। हमारा तो कौनो बहुत बड़ सातिर बुझाता। अरे रउआ लोग झूठा ही इतना टेंशन लेता नहीं, केहू के सिग्नेचर के कॉपी कैल इतना आसान नहीं खे। कहीं कर देलास्ता, अरे तब तो हजारों करोड़ के संपत्ति गए। भैया हम वो नागिन हई कि हमार काटल पानी भी ना मांगेला, हमार करोड़ों रुपया तो दूर, हजार भी ना मिली ओकरा की। योर ऑनर, सिग्नेचर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से ये दोनों सिग्नेचर एक ही व्यक्ति के हैं, यानी कि मिस्टर दीपक के। ये रही इसकी रिपोर्ट। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियुक्त दीपक पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। लिहाजा ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि अभियुक्त दीपक ही मिस्टर दीपक यादव हैं। जज साहब, आपके इस फैसले पर मुझे आपत्ति है। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जज साहब, ये दीपक यादव नहीं है, ये जरूर कोई शातिर मुजरिम है जो कानून की आंखों में धूल झोंक कर कानून को गुमराह करना चाहता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मुतरबा हमारे मुवक्किल पर जबरदस्ती का इल्जाम लगा रही हैं, जबकि ये साबित हो चुका है और कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुकी है कि यही मिस्टर दीपक यादव हैं। जज साहब, ये दीपक यादव नहीं है। दीपक मेरा अपना बेटा नहीं, सौतेला ही सही, लेकिन मैं दीपक को पिछले 10 सालों से जानती हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। जज साहब, इसमें और दीपक में जमीन आसमान का फर्क है। एक फैमिली के तौर पर मैं इसका टेस्ट लेना चाहती हूँ, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये दीपक यादव है या नहीं। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है, लेकिन आप जो भी टेस्ट लेंगी वो दोनों पक्षों के वकीलों के सामने लेना होगा। थैंक यू। ई सब केकर फोटो हा? ई सब दीपक के दादा, परदादा, गुरु, कुलगुरु और पुरोहित जी के फोटो हा। दीपक साहब के पहचाना तारे, वो आवा तारे और अपना परदादा के फोटो पर हार चढ़ाई हैं। तबस दूध के दूध और पानी के पानी हो जाई। एमा से उनके परदादा के हा? बाए से तीसर फोटो, जेकर आगे पियर फूल रखल हा। दीपक, आज तोहरा परदादा के श्राद्ध है, याद है कि भुला गईला? ल चढ़ा दो अपना परदादा के फोटो पर। ल अरे का भइल, का सोचत वाड़ा, चढ़ा दो। Thank you.
देख लेनी वकील साहब, हो गयल रउआ सामने दूध का दूध और पानी के पानी। हम तो पहले ही कहत रहनी कि ये दीपक ना जरूर कोनो सातिर बदमाश है, जमन रातों रात अरबपति बने के खातिर दीपक के जगह लेवे चाहता। राणा साहब गिरफ्तार करिए एकरा के। कौन जुन में कहे कि ये साबित हो गयल बा कि ते दीपक ना हुए। कैसे साबित हो गयल? वैसे कि ते अपना परदादा के फोटो पर ना कुल गुरु के फोटो पर हार चढ़ोले बाड़े। हमरा पता बा कि हमरा कुल गुरु के फोटो, शायद तू ही भुला गेल बाड़ू कि ये घर में कोनो भी पूजा अनुष्ठान में सबसे पहले कुल गुरु के पूजा होला। जा दूसरा हार लियो। मैडम दूसरा हार लाई ले आई। मैडम हमरा परदादा के फोटो। तू ये घर के मालकिन हो, कैसे सब भुला जाता रो? अब एक काम करा, जा जा के परदादा से आशीर्वाद ले ला कि आवे वाला समय में तोहरा और तोहरा पालल कुकुरन पे कौनो विपत्ति ना आवे। मैडम यहां साइन करें। हां एमा लिखल बा कि हम हेमलता यादव ये घोषणा करतानी कि अभियुक्त के सारा टेस्ट लेहला के बाद ये साबित हो गेल बा कि ई है दीपक यादव। ली थैंक यू। आइए हो गई तसल्ली। अब एगो बात कान खोल के सुन ला कि दीपक के तरफ केहू भी आंख उठा के दोबारा देखल तो हमरा ना चाहला के बाद भी कार्रवाई करे के पड़ी। और खास कर तू ब्रजेश, तू तनिक संभल के रही है बाबू का बुझला। चला हसमुख। जी दीपक भैया। एगो कुर्सी और झाड़ू लेके आओ था। अबे लावा तानी। हाँ दीपक भैया। हैली। हसमुख। जी भैया। हमरा गैला के बाद यहाँ काका भैल रहे रे। भैया रउआ गैला के बाद ही घर में बहुत अत्याचार भैल रहे। घर के मालकिन सोना दीदी के नौकरानी बना के ऐसा बहुत प्रताड़ित कैल गैल रहे। के कैले रहे रे सब? इमामा जी ना भगवान ना, हम ना कैले रहनी। अरे ई सब त तोहरा ही सतेली माई के काम रहे भगवान के सब। हसमुख। जी भैया। आज के बाद ही घर में झाड़ू पोछा तू लोग ना करवा। जी भैया। ई करिए भैया। हाँ दिन भर में 5 बार खाना मांगेला खाए खातिर। अच्छा। जी भैया। ताज से इनके सुबह शाम 2 रोटी और प्याज दा। ठीक बा। और काम करे से पीछे हटे। जी तो 1 बेरा के रोटी बंद। ठीक बा। चलो शुरू हो जा, शुरू हो जा। हाँ। और काका भैल रहे यहाँ? भैया ई बरजेसवा बड़का भिखारी बा,
एकरा लागा ता घर में जगह ना रहे ता अपन सारा बोरिया बिस्तर बांध के राउर रूम पे कब्जा कर ले ले बा। ए, रुक जाओ। तोरा और हमरा रिश्ता के बीच में सौतेला के साथ साथ माँ शब्द जुड़ल बा, वही शब्द के लिहाज करता नहीं, नहीं तो अगर तोरे तरह कहीं सौतेला पन पे उतर गई नहीं तो तोर होश ठिकाने लग जाए। चुपचाप खड़ा होके देख। चल चल फटाफट सामान समेट और निकल यहां से। सामान रख। ए, तार बाप के नौकर हैं क्या? हम दीपक भैया के नौकर हैं। चल फटाफट निकल। दीपक भैया चड्डी छोड़ के जा रहे बड़े बास मारा था। ए, ये अपन बदबूदार चड्डी भी ले जाए यहाँ से। हसमुख जी भैया चड्डी समेत बाहर फेंक गया। आई आई अरे काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया डब्बा गोल, खुल गया पूरा पोल, बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। वॉचमैन भैया। हाँ भैया। तू दरवाजा जरा ठीक से लगा लो तो। और इनका खातिर परमानेंट दरवाजा बंद। ठीक बा। हो गई बंद। का हाल बा भाई? ठीक बा। हो ठीक ठाक बा। हेने आओ। हाँ। का बा? जानता हो तार गड़िया में जे बैठल बा आदमी के बा के बा जौना पतल में खा लनु। हाँ। वही में छेद करेला। हाँ। और जौना मालिक के यहाँ नौकरी करत रहे। हाँ। धन हड़पे के कोशिश कैले रहे। अरे ससुर के। हाँ। निकल ससुरा। हाँ। कैसा नीच आदमी के बैठा ले ले वानी। हाँ। चल निकल। आवा बैठ बैठ। हाँ। निकल। अरे बाप रे। सर वेलकम सर। का सोचे तारा लोग तू लोग के ताली बजोला से हम खुश हो जाए? गलत सोचे तारा लोग। हमरा बनावटी प्यार पसंद नहीं खे। ना सर इनमें कोनो बनावटी नहीं खे। हम सब रहुआ से बहुत प्यार करी नहीं जा। अच्छा तो वो दिन ही प्यार कहाँ गेल रहे जब ब्रिजेश हमरा केबिन पे कब्जा कर लेलस। उरंजितवा जोना के हम ऑफिस से निकाल के बाहर फेंक ले रहनी मैनेजर बन के बैठल बा। सर वो दिन हमनी की मजबूरी रहल सर। काहे कोई दिन राउर माई भी उनके साथ रहनी। आज तो मां नहीं खे आज हम यहाँ बानी और आज हम देखल चाहता नहीं कि तू लोग हमरा से कितना सच्चा प्यार करेला। चला 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 निकाल इनको मेरे पास चला निकाल 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 मांगा सस्ता के पता तो तब चली जब ये खेल खत्म हुई अभी तय कर शुरुआत भइल बा। निकाल के फेंका लो कचरा के बाहर। ए मामा जी ठीक से काम करी। अरे अरे हमरा खातिर ले आयल हवे का? ये चुप रह तू। ये सब दीपक भैया खातिर लेके जाते नहीं। अरे रुका रुका अरे तानी मानी हमरों के दे दे रहे। ए तू अपन गंदा हाथ से मत छुआ मामा। ये हमार खीर पूरी लस्सी सब गंदा हो जाई। खीर लस्सी पूरी अरे दे दे अरे अरे हंसमुख हुआ तेरा के 10 को लाइका हो ये सर। तू 15 को भी लाइका हमरा कर दे बना तबो ना मिली। अच्छा सुना 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 तारा खातिर लेके आइल बनी हो भुला गई रहनी आइला तारा खातिर बा। ये तो बहुत
टाइट बा। परसों के न बनल बा तो टाइटे न होखी। ना खाए के बाद अलावा रखा। अरे ना 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 ना। खाए के बाद। दीपक भैया, हाईली। अरे वाह। हाँ। पूड़ी खीर। हाँ। का बात सवाश। अरे वाह, बड़ा जोरदार खीर बनी ले बाड़े रे। हाँ, काजू किशमिश भी डालने बनी। काजू किशमिश वाह 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 वा। यही से इतना स्वादिष्ट बनल बा। हाँ। लस्सी भी बा। हाँ। वाह, केसर डालने बनी। वाह रे हसमुख, अरे यार तू तो इनाम देवे लाग लस्सी बनी ले बाड़े, एक नंबर। वाह शाबाश, कमाल कमाल कमाल। ए मामा का जा काम करा, बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाय आरती। हाय दीपक। हाय सोना। हाय। और कैसन बाड़ू? एकदम बढ़िया। एला अब तू खेला, तब तक हम सोना से बात करत आनी। ठीक बा, आवा बैठा सोना। और कैसन बाड़ू? ठीक बा। हम खराब खिलाड़ियों के साथ ना खेली ले। काहे? हमरा से खेले में डर लगा था। चला खेला, लेकिन एक बात याद रखिया, अगर तू एक खेल में हार गया ना, तो हार से तोरा जिंदगी में हार की शुरुआत हो जाएगी। वाह, अच्छा डायलॉग मारा था। खाली अच्छा डायलॉग हुए मरवा कि अच्छा खेलबो करवा। एक मिनट। ये क्या करता? हाँ चला। रुका रुका रुका, का भाई? खेली चला। एक मिनट, बैट कैसे पकड़ ले बड़ा यार? ऐसे ही तो पकड़ा जाला। ओहो, नौसिखिया लेखा पकड़वा। अच्छा, अब तू हमके सिखाइबा कि बैट कैसे पकड़ा जाला? अब नौसिखिया लेखा पकड़वा तो सिखाऊ ही के पड़ी। चाइना वाला कैसे बैट पकड़ ले? कैसे? ऐसे। करेक्ट, ऐसे। हाँ। अरे बगचोनर वारिया ना, यह पर मारा। चलो रेडी, शाबाश। बार बहादुर। एक काम करा, पहले तू सीख ला। सोना तू इनके पहले सिखावा। हाँ। खेले सीखा। हाँ? आवा आरती तले हमने घूम के आवल जा। कहाँ जाता? अरे आरती के लिए कहाँ? अरे रंजीत भैया, आवा हम सिखा देता नी। अरे एका एक्के गो ग्लास। ग्लास एगो बात का भाई, पाइप दुगो बा ना, और वैसे भी एक ही ग्लास में पियला से प्यार बढ़ेला। ओए होए होए होए, पहले तो तू कितना बड़ा उल्लू रहला, अब देखा कितना रोमांटिक हो गई बाड़ा। सब तोरे प्यार के कमाल है। पिए आरती। ये का हो रहल बा? का हो रहल बा? सब चला यहाँ से, चला यहाँ से। अरे चला आरती। हाँ। काले गई पाइप से पिए के जूस के स्वाद और बढ़ जाए। Okay. अरे जूस ना तो के हम जमाल घोटा पियाई बेटा, और तू ढेर जूस मत पिया करा जल्लू, चला यहाँ से। आरती चला रेस्टोरेंट में चले गए आज ना? रंजीत आज हमार मूड नहीं थे। अरे का हो गेल बा तोरा के? जब हम कहीं ना कहीं चले के कहलू मूड नहीं के, मूड नहीं के। आ चला। ठीक बा रुका, आवत आनी। अरे आवा जल्दी, का हर समय मुंह बनौले रहलू? अरे हम तो हर होखे वाला मरद है, कौनो भी प्रॉब्लम होके हमसे बोला ना। कौनो प्रॉब्लम ना बेटा, चला। अरे अरे ऐसे का बैठा तू? वैसे बैठा ना दूनोर गोड़वा कह के, जैसे सहरिया में छौड़ी सन बैठे। नी नहीं, हम वैसे ना बैठब, वैसे बैठे में हमरा लाज लागेला। अच्छा सुना, खाना खा के फिर फिल्म देखे चल जाये हमने? आज हमार मूड नहीं। अरे का हर मेरी मूड मूड करेलू यार, बैठा बोला का खाइबू, चाइनीज या साउथ इंडियन? हम कुछ ना खाई, हमरा बिल्कुल भी भूख नहीं खे। अरे ऐसे कैसे चली? अब आयल वालों तो कुछ तो खाई के पड़ी। बोला का मंगाई? ठीक बा, तो हमरा खातिर एगो कॉफी मंगा दो, हमार कपार बत्थता। ओके बेटा,
हाय आरती। हाय। हाय रंजीत। हाय। अरे उस इडिया पे का लगल मतलब कहीं बैठ जाला तू का का ध्यान ना रखता एकदम से का हाँ। और खड़ा काहे मर बेटा और का खेबू आरती कुछ भी मंगा ला कुछ भी मंगा ला अभी तो तू कातरलू तो के भूखा नहीं के अब हाँ लेकिन अब थोड़ा थोड़ा भूख लग गई हाँ तो कौनो बात ना वेटर वेटर यस सर किचन में श्यामलाल होई ओकरा से कहिया कि रंजीत साहब श्यामलाल तू कभी के काम छोड़ देले वाला अरे तो का हो गई श्यामलाल नहीं की तो रामलाल बा ना जी रामलाल से बोलिए दीपक साहब के ऑर्डर बा जी जी एक चिकन तंदूरी जी एक चिकन तंगड़ी जी छह रोटी हाँ ओके एक राइस और तीन कस्टर्ड इतना के खाए तू खाई बा मतलब हम खाए भारती खाई हाँ हाँ खाए ना मुँह का तक तरक खा तो लोग अरे यार तो तू शुरू तो करा अच्छा आरती हाजीपुर में आशिक आवारा लगल बात चल भूखा देखे हाँ तो ढाई बज गए निकलेगी पर हाँ हम तो कालो के सिनेमा देखे ना जाए अरे यार खाद को बोलन ना जाला चुपचाप खाना खा चलो अरे ये हम अकेले खाए का हाँ खाना छोड़िए मत ना तो जीवन भर जनाना ना मिली हाँ। टॉयलेट जाके आवा सर बिल प्लीज अरे कितना 8500 सर वो जब चल गया तब आई लात हूँ पकड़ रख थैंक यू सर अरे कहाँ गई नहीं सन कहाँ गई नहीं कब चला कहाँ जाता रे कुछ अरे हमारा सामने टांग उठावा में ला जावत रहे और एक रे सतवा दोनों पर फैला के कैसे बैठा लिया देखे के बड़ी इस जात कहाँ बड़ा है रुका सर बैठ तेरी अरे यो यही नाटक करी चल भू के अब तू चल भू चल जरूर कुछ गड़बड़ बात बा ये बगीचा में कौन सिनेमा चला था देखा कि पड़ी हाँ। आरती तू हमरा से कितना प्यार कर रही तोहरा खातिर हम अपन जान भी दे सके नहीं आई लव यू टू जाए भाड़ में
औलाद छोड़े का ही मतलब नहीं खे। औलाद बाप की इज्जत की पगड़ी मट्टी में मिला दे। तू अच्छी तरह से जान रहल बाड़ू कि तू आर बिहार रंजीत से तय हो गयल बा, फिर भी तू दीपक के साथ घूम रहल बाड़ू। बाबूजी, हम दीपक से प्यार करेनी बा। प्यार मोहब्बत का बात सिर्फ सनीमा में अच्छा लगेला, निजी जिंदगी में ना एकर कौड़ी का मोल भी नहीं खे। बाबूजी, दीपक कितना अच्छा घर से बाड़े, उनका नाम खानदान इतना अच्छा बा, वो इंसान इतना अच्छा बाड़े, उनका में कमी का बा। बाबूजी, कमी बा बाबूनी, कमी बा। क्यों लड़का हमने के जात के नहीं खे हो? अगर तू दूसर जात के लड़का से शादी करबू तो सारा समाज के लोगन हमनी के उजाड़ छांट दी। रायदा शारदा रायदा, एकरा के कुछो समझाए का जरूरत नहीं खे। और तू हमारे एगो बात कान खोल के सुन ला, तोहार बियाह रंजीत से होई, ई हमार फैसला बा, और कल से तोहे बाहर आए जाए का कोनो जरूरत नहीं खे। जा अपने कमरा में जा, जा। मामा जी। हाँ खीर बा, इतना दिन से रउआ खीर खीर करत रहनी है, तो आज हम रउआ खातिर खीरे न लेके आइल बानी। कहीं 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 खाली। वाह हसबुकुआ वाह, तेरे आज हमारा दिल खुश कर देले हनु। तोरा के हमार आशीर्वाद बा। अच्छा ठीक, तोरा के खूब निमन कन्या मिले। अच्छा अच्छा खाई खाई। एगो बात पूछी हसमुखवा। पूछी पूछी, खाते खाते पूछी। हाँ पूछी। का बात बा, तू आज हमरा ऊपर बड़ा मेहरबान बा। अरे मेहरबानी के कोनो बात नहीं खे, खीरबा हम फेंके जात रहनी हां। का? अरे का बताई, कुतवा ना चाट ले ले रहे। अरे तू हमरा के कुकुर के झूठा खिला दे ले। ई डिबवा ना फेंकी महाराज, यही डिबवा में ना हम मैदान जाता नहीं तो पानी लेके जाता नहीं। अरे हसबुकवा, ते हमरा के अपन पंचोना डब्बा में गिर किया दे। ठीक से पढ़ ला, सगाई का कार्ड, आरती के साथ हमार सगाई होता, हमरा के पता तोरा के तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के आ जाइए। तकलीफ तकलीफ हमरा ना, तकलीफ तोरा होई, काहे की सगाई करब तू और सुहाग रात मनाई हम। गुस्सा बता, बहुत गाली देवे के मन कर रहा था गरिया वाला। अच्छा, मारे के मन कर रहा था तुम्हारा। Thank you.
ससरा के हाथ काहे धइलुए जान, हमरा के सगा धरा के दूसरा के हाथ काहे धइलुए जान। अब अगर तोरा जूठन खाए के शौक हो गए तो कर ले बियाह। राजवा हनुरे हां, दू करोड़ के पैकेट मार राजा, दू करोड़ का गाड़ी में घूमता बुझा तो कोनो लंबा हाथ मर लेबा, पता करे के पड़ी। हां आओ आओ आओ। ए भीतर कहां जाता रहा, हमनी के राजा से मिले के बा। राजा कौन राजा? अरे वे जो गाड़िया से उतर के अंदर जाता। अरे वो राजा ना दीपक साहब हवन, ई बंगला के मालिक। ई बंगला के मालिक? हां। कब से हवन? कब से का मतलब? भांग उंग पिकेल पड़ा का? अरे बचपन से मालिक हमन। अरे तो ठीक बा, ओकरे से मिले के बा हमनी के। तो उनका से मिले के बा तुनकर ऑफिस जा। हेलो। हाँ इमलता जी। अरे एगो बड़ खुश खबरी नु बा। ओ दीपकवा के सारा पोल खुल गई। अरे पटना के बड़का पकेट मार हो, ओकर नाम है राजा। हम तो घर ही आके कुछ खबरी देवे चाहत रहनी लेकिन ना रहल गई, ऐसे फोन कर देनी। भैया भैया ई का फजेशन जैसन घुमा तारा। अरे का करी बहन, तब नौकर बन गल बानी तो नौकर जैसन रहब ना। अब धरा के नौकर बने के कोनो जरूरत नहीं खे, अब हमनी के पुराना दिन वापस आ जाई। हाँ, वो पाकिट मरवा हमने के बहुत नाच नचौलस, अब हम नचाई बोकरा की। अरे बाप रे बाप, सबेरे सबेरे चंडाल चौकड़ी के दर्शन, लागत आज दिन ठीक ना जाए। एकदम सही कहले, आज से तोहरा खराब दिन के शुरुआत हो गईल राजा। राजा कौन राजा, कैसन राजा? लगता औकात के साथ साथ अपन नामो भुला गेल बड़े। तमीज से बात कर ना तो लौत मार के बाहर निकाल दे। ई कहां से होल? दू कौड़ी के पॉकेट मार दीपक के जगह लेके अपने आप के सच में राजा समझे लगले कारे। हसुक। हाँ दीपक भैया, निकालने के बाद बाहर निकाल दी। हलो चल बाहर, निकाल निकाल बाहर। सब तोहरा वजह से होता, तू कौड़ी के आदमी जेकर औकात नहीं कि हमारे हवेली के गेट से झांक सके वो हमसे ऐसे बात करता, और कितना सबूत दे? हाँ क्या मैं दीपक खाई? देखा अब दीपक बने के ज्यादा नाटक मत करा, फटाफट अपन बोरिया बिस्तर उठावा और दफा हो जाई। ना तो कानून के ऐसा ऐसा दफा लागी कि पूरा जिंदगी जेल में गुजर जाये। माथा पीट पीट के मर जाई बालो, लेकिन साबित ना कर पाईबा कि हम दीपक ना आई। तब तो तू इहो कहबा कि आरती से तू सच्चा मोहब्बत करेला। हाँ ते में क्यों के शक बगा। ता तू आरती से ब्याह काहे नहीं खे कर लेता? ब्याह के कोनो जल्दी नहीं खे हमके, लेकिन हमरा के बा। दीपक हम ब्याह खातिर और इंतजार ना कर सके नी। वो दिन भरी सभा में तू हमार नाक कटवा देला, अब तू दोनों जने के ब्याह के अलावा हमरा लगे कोनो उपाय नहीं खे। बोलती का है बंद हो गई लो राजा साहेब, कहीं ऐसा तो ना कि कहीं और सेटिंग चलत हो। रउआ कहे का चाहता नहीं चाचा जी? अरे आरती तू ना जंतु एकरा के
ये बहुत बड़ा चालबाज है। अरे चुटकी बजा के तोहरा के सेट कर लेलस, दीपक बन के करोड़ों का जायदाद हथिया लेलस। अरे झूठ फरेब और धोखेबाजी का जिंदा मिसाल है। भैया तू तो चुप काहे बाड़ा, आरती से ब्याह खातिर हाँ कर दाना, ऐसे सबने के मुँह पे ताला लग जाए। ये ब्याह खातिर हाँ कैसे कही, भरुपिया का धीरे धीरे पोल खुला जाता हूँ भाई। हाँ तो ठीक बा, एक काम करा लो, हम ब्याह खातिर तैयार बन। बाकी दिन तारीख तू लोग देख लो। के हवे तू लोग अंदर कैसे आ गए लोग? ये बतावे खातिर कि जेकरे नाव के माला तू दिन रात जपे ली, तू जेकरे नाम के मंगलसूत्र पहने बारू ना, जेकरे नाम के सेनूर लगोले बारू ना, वो राजा अब केहू और के मांग का सेनूर बने जाता। Thank you.
सबके पति भारत में हरिया, जाहि सबके पति भारत में हरिया, जाहि सबके। काजल हमारे बात सुनो। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे लेकिन सब नहीं बर्दाश्त कर सकते, छोड़ हमके। काजल, काजल हम तो हर कसम खा के कहता नहीं काजल, हम सिर्फ तो उसे प्यार करें काजल। और उस सब का जो हम अपना आँख से देख ले रहे नहीं। काजल, कभू कभू आँख के देखल भी झूठ हो जाला काजल। वो सब हमरा के कुछ नहीं के पता, छोड़ हमरा के। अरे तू यहाँ आ गेलू? का करी, भात और भतार बिना मने ना लागेला। ढंग से आँख खोल के पढ़ लो, हमनी के बर्बादी के इस्तहार छपल बा इमें। का छपल बा भैया? अरे ससुरा दीपकवा तक घर ऑफिस बंगला कुल बेचाता। काल उस सारा प्रॉपर्टी बेच के सब पैसा लेके चल जाई, तू लोग यहाँ हाथ पे हाथ धर के बैठल रहा। हाँ
सोचा तारे, का सोचा तारे तू कि तू हमरा से बिना पूछले सारा प्रॉपर्टी नीलाम कर देबे? जा जा, हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आई। माता जी, तोरा के का लागत आ हम कच्चा गोली खेल ले बानी? हाई जोन स्कूल खोल के तू चलावत आरू, ए स्कूल के मास्टर डिग्री हमरा लगे बा। और ही तोरा के पते नहीं के कि सारा कानूनी कार्रवाई कैला के बाद इस्तेहार दे ले बानी। और एक बात और बताई तू लोग के, हम दीपक ना है राजा है। अब पता चल गया ना, अब दम बात बांस कर लो ना तो बर्दाश्त कर लो। चला ड्राइवर। राजा, कल नीलामी होते ही आधा पैसा हमारा अकाउंट में आ जाए कि चाहिए? एकदम। ये ला दुबई के टिकट, पैसा आते ही हमने के कल शाम के दुबई फरार हो जाए। आप लोग चिंता ना करें, हम पटना क्राइम ब्रांच से राजा के फाइल मंगवा ले बानी। अगर वो सचमुच में राजा ही है तो हम ओकर बाजा बजा दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिस्टर दीपक यादव अपनी सारी चल अचल संपत्ति यानी कि सुगर मिल्स, अपने ऑफिसेस और इस खूबसूरत बंगले को नीलाम कर रहे हैं। सर, ये रही राजा की फाइल जो आपने मंगाई थी। इसकी पूरी जानकारी मिस्टर दीपक यादव ने अपने पर्सनल वेबसाइट deepakyadav.com पर दे दी है। जो भी जेंटलमैन इस प्रॉपर्टी को खरीदेगा उसे इमीडिएटली अभी के अभी मिस्टर दीपक यादव के बैंक अकाउंट में तय की गई रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? क्या आप लोग तैयार है इस बीट के लिए? इस प्रॉपर्टी की सरकारी कीमत है 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपीज। तो बीट शुरू की जाए। 550 करोड़, 550 करोड़ रुपए, 550 करोड़ एक, 600 करोड़, 600 करोड़ दो, 750 करोड़, 750 करोड़, 750 करोड़ एक, 750 करोड़ दो, 800 करोड़, 800 करोड़, 800 करोड़ एक, 800 करोड़ दो, 800 करोड़ तीन। सोल्ड आउट। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रमेश अग्रवाल। अब ये पूरी प्रॉपर्टी अब आपकी हुई। मिस्टर रमेश अग्रवाल, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आपको तय की हुई रकम को मिस्टर दीपक यादव के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन अभी ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ साइन कीजिए। थैंक यू। अभी कभी आधा पैसा हमारे अकाउंट में डाला? हाँ, डाला था। हेलो, अपना प्रॉपर्टी के तो नीलाम कर दे ले, लेकिन अपना दू को मेहरारू और अपना बहन के इज्जत के नीलाम होके से कैसे बचेबे? और अगर बचावल चाहता रहे तो चौका घाट वाला स्टील फैक्ट्री में आ जाओ। हेलो हेलो, कहा सोचा तारा हमारे अकाउंट में पैसा डालो ना। हाँ, ऐसे जैसे तोर पोल पट्टी पूरा खुल गई राजा, अब तोरा के पूरा जिंदगी जेल में सड़ाई। Let's go.
केहू के ना होला, वो कहीं के ना होला, जे केहू के ना होला, कारे तोरा जैसन भिखारी के हमार 100 करोड़ के मालिक बनौनी और तू हमरा के पकड़ल बनावता रे, बता पैसा हमरा अकाउंट में काहे ट्रांसफर ना कर ले? अरे डाल देनी ना, का बात करता रहा? अब अकाउंट चेक करा अपन, 400 करोड़ डाल देना भाई। ए, ज्यादा होशियारी ना, ना तो हिजा छौ के छौ ठोक दे, बता पैसा केकरा अकाउंट में बा? पैसा दीपक के बहन सोना के अकाउंट में चल गए। अरे बेकूफ, ओकरा अकाउंट में काहे डाल देले? काहे डालले मतलब, वो हमरा के राखी बन ले रहे था, हमार भाई ओकरा के ना तो कुछ फर्ज बन लगी ना। अरे बकलोलवा, अरे एको राखी के बदले में 800 करोड़ दे दिले। अरे सूट दे देते, साड़ी दे देते, आप नहीं तो सोना का अंगूठी दे देते। ठीक बा, तू भाई के फर्ज निभा लेना, अब हमरा गोली की जरूरत है। हाँ मुन्ना बोल। हाँ विशेष भाई, हो राजवाड़ा नीलामी के सारा पैसा दीपक का बहन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे बा। का? का बात करता है? ओकरा मुंह से हम खुद सुननी हां। काबिल भैया, अरे वो राजवाड़ा नीलामी के सारा पैसा दीपक के बहन के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देलस। का बात करता है? अरे सही कहा तानी, रजवा अपना मुंह से मुन्ना के बतौलस। ए सोना के लेके नीचे आ। पासवर्ड बोल ना बताए। अरे जल्दी बोलो ना मुआदे, बोल पासवर्ड। मुआदे चाहिए थी आता, हम ना बताए तो ना बताए। और पासवर्ड बोल, पासवर्ड बोल, ना बताए, पासवर्ड बोल, ना बताए, बोल।
हमरा के जिंदा देख के तोनी के हवा टाइट हो गेल का? का हो ब्रिजेश चाचा, तोरा के तो हम अपना माथा पे बिठा के रख ले रहे, लेकिन तू लोग साबित कर देला कि जूता चाहे चमड़ा के होखे या सोना के, जूता के हमेशा पैर में रखे के चाहिए। गोल लगाता नहीं है माई, बा माई बा, तोरा के तो हम अपना सगी माई से बढ़ के समझत रहे, लेकिन तू ही साबित कर दे कि सौतेली माई आखिर सौतेली होके में। हम खुद बरगद बनकर छांव जमाने भर को बांटते रहे, और हमारे अपने ही हमें रोज थोड़ा थोड़ा काटते रहे। तू हमरा मारे के तो बड़ा बढ़िया प्लान बने ले रहला, लेकिन वो कहावत सुन ले बड़ा ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो आर आदमी हमरा गलत फहमी में राजा पे अटैक कई ले रहे, लेकिन तू क्या हुआ? और हमके कैसे जाना था? हम तो आर हम सकल हैं, और यही के फायदा उठा के हम तो आर पूरा प्रॉपर्टी हड़पे खातिर आए नहीं का। लेकिन कमाल ही बा कि तू अपन जान के बाजी लगा के हमार जान बचा लेला। इंसानियत भी कुछ चीज होला भाई, लेकिन गुंडा लोग कह रहे पता ना हमरा के मारल चाहत रहे लो ना, तोरा के ना ये सब हमरा के मारे आए रहे सब का है? यह तो पता नहीं के, यह तो पता लगावे के बा गुंडा लोग कह रहे। एक तरीका बा। कैसे? ये आदमी हमनिये के कद काठी के बा, एकरा के तुहार कपड़ा पहना के तुहरा गाड़ी में डाल के खाई में फेंक दिया जाओ, दुनिया दीपक के मरल समझी और तुहार दुश्मन खोल के बाहर आ जाए। लेकिन तू हमार मदद काहे कर चाहता रहा? इंसानियत भी कौनो चीज होला भाई। हमरा के मरल समझ के तोनी के आपन जात बता देला सन, हम और राजा मिलके तोनी के औकात बता देनी है। ठीक से याद करो लोग, जब तोनी लोग दीपक के मरल समझ के सोना पे अत्याचार करत रहे लोग, तब तोनी लोग के बैंड बजावे खातिर
हम आयल रहनी। और रंजीत बाबू याद बागी ना, फिल्म दिखावे के बहाना करके आरती के लेके हम गई रहनी। और आरती के मोटरसाइकिल पे बिठा के हम ले गए रहनी। तू लोग कम नहीं खा, हमरा मेहरारू काजल के खोज निकल ला लोग, और हमरा के आरती से बियाह करे खातिर मजबूर करे लगला लोग। लेकिन तू लोग के जान के बहुत हैरानी हुई कि आरती से बियाह करे खातिर हम ही भरले रहनी हम, लेकिन आरती के मांग में सिंदूर हम भरले रहनी। बात बताओ, अगर तू जिंदा बाड़े तो पैसा अपना बहन के अकाउंट में काहे ट्रांसफर कर ले? तू गलत सोचा तारे, नीलामी के पैसा हम सोना के अकाउंट में ना केहू और के अकाउंट में ट्रांसफर के ले बानी। केकरा अकाउंट में? तोहरा अकाउंट में। यही पैसा खातिर तू हमरे प्यार के गला घोट देलू ना, दे देनी तोहरा के सारा पैसा, ना चाहिए हमके पैसा। पैसा अपना मतारी के अकाउंट में ट्रांसफर कर डाले, पूरा 800 करोड़ बा। माई हमके आज भी याद बा माई, जब बाऊजी तोहरा से ब्याह करके आई लन और हमरा से कहले कि बेटा ई तोहर माई है और हम तोहके अपन माई मान लेने, बस इतने बता दो माई हमरे प्यार में ऐसा कौन कमी रह गेल रहे जे तू ऐसा कर लो। hey! बंद करा तो हर लोगन के फैमिली ड्रामा। ये बुढ़िया चल अभी के अभी हमरा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर, ना था हम अभी के अभी तोहरा के नरक लोक में ट्रांसफर कर दे। बहुत सही समय पे एंट्री मर ले मुन्ना एकदम। अरे हम लाता तो आप का सोचा तारू, अरे ये पैसा खातिर ना हमारी कितना पापड़ बिल नहीं जा। चला अब पैसा के 3 हिस्सा करो और 2 हिस्सा हमारी दोनों भाई के नाम पे ट्रांसफर करो। चला हे सोचत का बाड़ू, चला ट्रांसफर करा। हे पागल हो गए बेटू का? पागल तो हम अब तक रहनी है, अब जाके हम होश में आयल बानी। जवानी में ही हम विधवा हो गई रहनी, तब ते ही वो नीच हुए जवन हमरा के बहला फुसला के गलत रास्ता पे ले गए ले। हमरा के हमार राम जैसन बेटा के खिलाफ खड़ा कर दे ले। अरे तू कैसन इंसान बाड़े, माई और बेटा के रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ता होला, और हम वो रिश्ता में भी दाग लगा देनी। ए, हमारा इशारा पर नाचे वाली तो रहता ना हिम्मत हो गई। चुपचाप खड़ा रहा ना तो बहन की खोपड़ी उड़ा दे। ए, चल पैसा ट्रांसफर कर। ये सारा पैसा हमार बेटा बेटी के है, तोहनी के एक फूटी कौड़ी भी ना दे। रहता मोर बहन के टुकड़ा पर पले वाला तू कौड़ी के आदमी, तोर इतना हिम्मत कि हमार बहन पे हाथ उठा दे। अरे अट्टो बड़ा कह के ट्रांसफर कर, नहीं तो सारा खानदान यही खत्म कर। ट्रांसफर कर। Oh!
Oh.